मेरा बटुआ, मेरा बटुआ। इसे तो अफलातून ही पकड़ेगा। देखा तुम सबने, अफलातून ने जानबूझकर भीम को धक्का दिया। हाँ भीम, पहले भी मैंने देखा, कुएं में उतरते वक्त भी उसने आगे निकलने के लिए तुम्हारी रस्सी को किनारे धकेल दिया। खुद को समझता क्या है वो? हमारा मकसद आपस में मुकाबला करना नहीं, लोगों की मदद करना है। फिर उसने पहले मदद की या मैंने, इस बात का कोई महत्व नहीं है। राजू जाने दो, कालिया तुम्हें छेड़ रहा है। कालिया, मैं जरूर अपने पिताजी की तरह बहुत बड़ा सिपाही बनूंगा, तुमसे कहीं बेहतर। क्या कहा तुमने, मुझसे बेहतर सिपाही बनोगे? खुद को देखा है कभी? इतो सो तो है। पहले अपने आप को देखो तुम, मोटा शरीर, मोटा दिमाग, कैसे बनोगे बेहतर सिपाही? दिमाग का लड़ाई में क्या काम, वहाँ तो ताकत का जोर चलता है। ले अभी तुझे दिखाता हूँ। तुम कर सकते हो ये? अरे ये कैसे गिराएगा आम? उसके लिए ताकत चाहिए, ताकत। राजू, कालिया, ये सब तुम क्या कर रहे हो? अच्छा हुआ तुम आ गए भीम। राजू और कालिया को रोको, ये आपस में कैसे झगड़ रहे हैं देखो। मगर किस बात पे? भीम, कालिया को लगता है कि मैं अच्छा सैनिक नहीं बन सकता। मैं दिखा दूंगा कि आकार से ज्यादा सोच का पलना भारी होता है। चल हट, मैं दिखा दूंगा कि ताकत के सामने कोई दिमाग विमाग नहीं चलता। अच्छा सैनिक तो सोच से भी बना जा सकता है और शक्ति से भी। बस ये जानना जरूरी है कि तुम्हारे अंदर कौन सी खास बात है और उस खासियत को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। बिल्कुल सही भीम। मेरे पास सभी कुछ खास है, मैं ही सबसे सर्वश्रेष्ठ सैनिक बन सकता हूँ। ये छोटा नन्ना राजू नहीं। ठीक है फिर कालिया, हो जाए प्रतियोगिता। भीम, अब तुम ही हमारी क्षमता की परीक्षा लो। हाँ ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो। हम कब से यहाँ अंदर क्यों बैठे हैं? मुझे शर्त जीतनी ही है, यहाँ घर के अंदर रहेंगे तो खतरा कम रहेगा। पर हम बहुत बोर हो रहे हैं। ऐसा करो, तुम यही रहो, हम जरा बाहर चक्कर लगा कर आते हैं। बोर तो मैं भी हो गया, चलो साथ ही चलता हूँ। दोनों चलो जल्दी, उस्ताद से बहुत डांट पड़ेगी। उस्ताद हम आ गए, चलिए। परेशान क्यों लग रहे हो? उस्ताद गायब हो गए। क्या? कालिया गायब हो गया? अब हमें बिल्कुल वक्त बर्बाद किए बिना कालिया को ढूंढना चाहिए। अजीब बात है, घर से कुछ गायब नहीं हुआ है। प्रणाम अच्छी परी, कालिया का अपहरण हुआ है और उसे ढूंढने में हमें आपकी मदद चाहिए। ये जुड़वा नगर है, यहाँ हर एक घर में जुड़वा ही पैदा होते हैं। अच्छा, वो यंत्र देखो, कहीं हम गलत दिशा में तो नहीं जा रहे? यहाँ तो घर भी जुड़वा है, यहाँ तक की दुकानें भी। कुछ समझ में नहीं आ रहा।
दो रखवालों को चकमा दे कि हम यहाँ तो आ गए हैं, लेकिन आगे करना क्या है। हम कल सुबह ही यहाँ से चलेंगे। कल सुबह वो यहाँ से निकल जाएंगे, उससे पहले ही हमें कुछ करना होगा। तुम दोनों जाओ और गांव के दूसरे जुड़वा बच्चों से मदद मांग लो, तब तक हम यहाँ के काम निपटाते हैं। चलो तीनों अलग अलग दिशा में जाते हैं और देखते हैं कि कौन सा भूत आता है। कालिया कहाँ है? कालिया? मुझे कोई कालिया नहीं पता। कालिया कहाँ है? तुम अभी बात है, इतने जल्दी यहाँ कैसे? अब ये बताओ कि कालिया का अपहरण क्यों किया? हम कल कुछ काम से ढोलकपुर आए थे। ये तो हीरा है। चलो जल्दी से वो हीरा निकालो। कौन हो तुम लोग? सब कितने परेशान थे तुम्हारे लिए। शुक्रिया भीम। कालिया, राजू, हमने तुम दोनों के लिए 5 कार्य सोचे हैं। जो सबसे अधिक में जीत गया वो इस प्रतियोगिता का विजेता होगा। कार्य में जीत गए हो। बस ये आखिरी पड़ाव है, जो पहले ऊपर पहुंच गया वो ये प्रतियोगिता जीत जाएगा। धन्यवाद कालिया। ये दोनों कर क्या रहे हैं? एक सच्चा सिपाही बनने के लिए सबसे जरूरी सीख आजमा रहे हैं। नहीं समझे क्या? दोनों जीत गए। वो इसलिए क्योंकि इन दोनों ने समझ लिया है कि किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए अपनी शक्ति और सोच दोनों को ही एकजुट करके कोशिश करनी चाहिए। चलो चलो, बहुत हो गई बातें। वो क्या है कालिया? पेट पूजा और क्या?